फाइनली दोस्तों आ चुका हूं आपके लिए एक और नए वीडियो लेकर के। और दोस्तों यह वीडियो में आपको सिक्स ग्रैंड लीग का टीम मिलेगा, तो वीडियो पूरा देखते रहो क्योंकि आज का मुकाबला काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होने वाला। और दोस्तों जिस घड़ी का इंतजार था वह घड़ी अब आ चुका, क्योंकि यहाँ पर से यह जो मुकाबला देखने को मिल रहा है इंडिया वर्सेज पाकिस्तान के बीच, वह एक साल के बाद देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होने वाला है। और उससे पहले वीडियो में बनाने से पहले आपको और कुछ टीम बताने से पहले आपको एक बात बोलना चाहता हूँ भाई, जितना भी लोग आओ सिर्फ आपको कमेंट करना है कि आज का मैच जीतेगा इंडिया ही, और भाई फुल सपोर्ट रहेगा और आप मेरे और आपके तरफ से फुल सपोर्ट होना चाहिए। बिल्कुल यही कमेंट होना चाहिए कि आज का मैच जो जीतेगा हमारा इंडिया ही जीतेगा। तो दोस्तों सिर्फ आपको कमेंट करना है आज का मैच इंडिया ही जीतेगा। तो दोस्तों वीडियो पूरा देख लेते हो, यहाँ पर से आपको पूरा प्लेइंग 11 टीम और साथ में सिक्स आपको ग्रैंड लीग का टीम देने वाला हूं। सिर्फ आपको वीडियो पूरा वाच करने वाला कर लेना है, क्योंकि यहां पर से आपको किस किस प्लेयर से फाइनल प्लेइंग 11 टीम रहने वाला और कुछ प्लेयर्स का परफॉर्मेंस बताऊंगा। और दोस्तों यह जो स्टेडियम रहेगा किस स्टेडियम में खेला जाएगा और किस किस प्लेयर्स को होना चाहिए ताकि आप यहां पर से अच्छा खासा एक टीम बना सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी बारीकी से जानकारी देता हूं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक बात बताना चाहता हूं, मैं जो अपना फाइनल टीम देता हूं गाइज, यहाँ पर से अभी तो टॉस नहीं हुआ, टॉस होने के बाद मैं अपना जो फाइनल टीम देता हूँ वो टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ। तो सिंपली आपको टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाना, टॉस होने के बाद आपको टीम मिलेगा। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन होने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक करना है और वहाँ पर से आपको जो है वह ज्वाइन हो जाना है। टॉस होने के बाद मैं वहां पर से जैसे देख लो यह मुकाबला जो मैच स्टार्ट होगा शाम 7:30 में मैच स्टार्ट होता है, और मैं वहां पर से जो टॉस हो जाता है, मान लो 7 बजे टॉस हो जाता है तो 5 मिनट बाद वहां पर से मैं अपना टीम जो हुआ टेलीग्राम चैनल पर फाइनल प्रोवाइड करा देता हूँ। वैसे आपको यहाँ पर से सिक्स जो हुआ टीम जीएल का देखने को मिलेगा। उससे पहले बात कर लेते हैं इंडिया का फाइनल प्लेइंग 11 टीम किस प्रकार रहने वाला है। तो यहाँ पर से आप देख सकते हो आपको रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव यानी भारत की तरफ से है, उसके बाद ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, दिनेश कार्तिक, रविंद्र जडेजा और हर्षदीप सिंह, भुवनेश्वर कुमार और दोस्तों यहां पर से चहल। उसके बाद यहां पर से चर्चा कर लेते पाकिस्तान की तरफ से, जो पाकिस्तान की तरफ से आपको कैप्टन में नजर आएंगे बाबर आजम, उसके बाद विकेट कीपर में रिजवान हो गए, फकर जमान, हैदर अली और दोस्तों आसिफ अली, उसके बाद शादाब खान, एमडी यहां पर से आपको नवाज नजर आते होंगे, हसन अली और दोस्तों यहां पर से हरीश रॉफ, उसके बाद आप देख सकते हो एमडी आपको हसानी आपको नजर आते होंगे। उसके बाद यहां पर से चर्चा करते हैं कि किस प्लेयर्स का कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले देख सकते हो रोहित शर्मा के बारे में चर्चा करूंगा, उसके बाद बारीकी से समझाऊंगा, उसके बाद आपको प्लेइंग 11 टीम जो हुआ सिक्स ग्रैंड लीग का सेलेक्ट करके दूंगा, ये सभी देख लेते हैं, उसके बाद आपको टीम मिलेगा। देख सकते हो यहाँ पर से रोहित शर्मा ने, दोस्तों यहाँ पर से रोहित शर्मा 100 यहाँ पर से जो मैच खेले 132 मैच खेले, और रन की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर से रन देख सकते हो 34 से 87 और दोस्तों एवरेज इनका 33 का रहता है। वही स्ट्राइक रेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर से आप देख सकते हो स्ट्राइक रेट जो आपको दिखाई देता होगा 118 का स्ट्राइक रेट है। उसके बाद केएल राहुल की चर्चा कर लेते तो केएल राहुल ने यहाँ पर से जो टोटल मैच खेले 56 मैच खेले, और रन की बात कर लेते तो दोस्तों यहाँ पर से इनका रन जो आपको दिखाई देता होगा वह 18 से 31 रन है। वही एवरेज की बात कर लेते तो इनका एवरेज तो काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, और दोस्तों आज केएल राहुल काफी ज्यादा खास होने वाला है और साथ में विराट कोहली भी खास होगा। तो दोस्तों यहां पर से चर्चा कर लेते हैं रोहित शर्मा भी चलता है पाकिस्तान के खिलाफ, और साथ में केएल राहुल और विराट कोहली ये तीन प्लेयर्स हैं जो आपको अच्छा खासा यहां पर से पाकिस्तान की तरफ से चलते हुए नजर आएगा। विराट कोहली की बात कर लेते तो 99 मैच खेले हैं और दोस्तों यहां पर से देख सकते हो रन इनका 3306 है, एवरेज यहां पर से 50 का, वही स्ट्राइक रेट इनका देख लेते हैं तो 94 का स्ट्राइक रेट है। उसके बाद सूर्य कुमार यादव यहां पर से जो मैच खेले हैं, सूर्य कुमार यादव की चर्चा करते हैं तो भाई सूर्य कुमार यादव यहाँ पर से जो हुआ खेले 23 मैच खेले, और दोस्तों इनका रन की बात कर लेते हैं तो रन आप देख सकते हो 672 रन है, एवरेज इनका 37 का रहता है, स्ट्राइक रेट इनका काफ़ी ठीक ठाक है, यहाँ पर से देख सकते हो स्ट्राइक रेट जो इनका 117 का है। उसके बाद यहाँ पर से ऋषभ पंत की चर्चा करते हैं तो ऋषभ पंत का देख सकते हो यहाँ पर से ऋषभ पंत 54 मैच खेले और रन की बात कर लेते तो 883 रन है, और दोस्तों एवरेज इनका जो है वह आपको 23 का एवरेज दिखाई देता होगा। उसके बाद स्ट्राइक रेट भी इनका काफ़ी ज़्यादा मस्त है, 104 का स्ट्राइक रेट है, वही विकेट कीपर है, और दोस्तों इनको बैटिंग का जो मौका दिया जाएगा मुझे लग रहा आज ये ऋषभ पंत तो जो पांचवें नंबर पर बैटिंग करते हैं वैसे भी आते हैं, लेकिन इनको पांचवें नंबर पर भी बैटिंग दिया जा सकता है, नहीं तो आप ट्राई के लिए यहां पर से भारत थोड़ा रिस्क लेना चाहेगा तो इनको आपको देखते हुए आपको बैटिंग जो नजर आएगा वो चौथे नंबर पर भी ये बैटिंग कर सकते हैं। उसके बाद हार्दिक पांड्या की चर्चा कर लेते हैं तो हार्दिक पांड्या जो मैच खेले 67 मैच और रन की बात कर लेते हैं तो यहां पर से रन जो है इनका आपको दिखाई देता हुआ 834 रन है, एवरेज इनका 23 का और स्ट्राइक रेट यहां पर से इनका 51 का बता रहा है। उसके बाद यहां पर से देख सकते हो दिनेश कार्तिक का, तो दिनेश कार्तिक 47 मैच खेले और
दोस्तों यहाँ पर से रन की बात करते हैं तो रन जो है इनका 591 रन है। एवरेज आप देख सकते हो 28 का, स्ट्राइक रेट इनका 55 का है। तो यहाँ पर से दिनेश कार्तिक जो छठे या सातवें नंबर पर, दोस्तों दिनेश कार्तिक आपको डीके आपको जो नजर आ सकते हैं छठे या सातवें नंबर पर, यहाँ पर से देख सकते हो छठे नंबर नहीं तो सातवें नंबर पर बैटिंग करते हुए नजर आएगी, लेकिन नजर यहाँ पर से आपको छठे नंबर पर ये बैटिंग करते हुए दिनेश कार्तिक आपको नजर आ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर से रविंद्र जडेजा की चर्चा कर लेते हैं। मैच खेले हैं 62 और दोस्तों रन यहाँ पर से देख सकते हो 422 एवरेज इनका देख सकते हो। 23 का है वही स्ट्राइक रेट यहाँ पर से इनका 46 का, वही दोस्तों यहाँ पर से विकेट लिए 50 विकेट और दोस्तों हाईएस्ट इनका विकेट की बात कर लेते हैं तो हाईएस्ट विकेट जो रहा है यहाँ पर से रविंद्र जडेजा का, वह तीन विकेट लिए और दोस्तों 15 रन देकर के 3 विकेट लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर से अर्शदीप सिंह की चर्चा कर लेते हैं। तो अर्शदीप सिंह कहीं ना कहीं भारत में आप कह सकते हो नए प्लेयर्स हैं और इनको एशिया कप में लाया गया है, तो भाई इनसे उम्मीद लगाऊंगा कि आज ये परफॉर्मेंस करके अच्छा खासा दे और भारत की तरफ से 2-3 विकेट आसानी तरीका से लेकर के दे सकते हैं। और उम्मीद लगाना भाई आज का मैच जो जीतेगा वह इंडिया ही जीतेगा, बिल्कुल आप लोग का कमेंट होना चाहिए आज का मैच इंडिया ही जीतेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से अर्शदीप सिंह की बात कर लेते हैं। मैच 6 खेले, विकेट दोस्तों यहाँ पर से देख सकते हो विकेट इनको 9 विकेट मिला है। उसके बाद यहाँ पर से हाईएस्ट विकेट की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर से 12 रन देकर के 3 विकेट लिए भुवनेश्वर कुमार की चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों भुवनेश्वर कुमार यहाँ पर से जो देख सकते हो भुवनेश्वर कुमार 72 मैच के लिए, विकेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर से 73 विकेट लिए, हाईएस्ट विकेट यहाँ पर से 24 रन देकर के 5 विकेट लिए। उसके बाद यहाँ पर से युजवेंद्र चहल की चर्चा करते हैं, युजवेंद्र चहल की तो दोस्तों यहाँ पर से युजवेंद्र चहल जो है वह मैच खेले हैं 62 मैच, वही विकेट की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर से आपको 79 विकेट दिखाई देता हुआ और हाईएस्ट विकेट की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर से 25 रन देकर के 6 विकेट लिए हैं। उससे पहले बात कर लेता हूं आज का जो मुकाबला खेला जाएगा। दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको बता दिया प्लेइंग 11 टीम का कुछ परफॉर्मेंस था, अब बताऊंगा आपको यहां पर से पाकिस्तान का। उससे पहले आज का जो मुकाबला खेला जाएगा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में मुकाबला खेला जाएगा और दोस्तों इस पिच पर रन की इस पिच पर जो बात कर लेते हैं टोटल 77 T20 मैच खेला गया है और कल का जो मैच हुआ था वह आपको श्रीलंका वर्सेज अफगानिस्तान के बीच हुआ था, उसमें मेरा एक तरफा प्रिडक्शन गया था और दोस्तों जो मेरा टेलीग्राम से टीम लिए हुएगा अच्छा खासा पैसा विन किए हुएगा और मैं वहाँ पर से अपना टीम भी पेस्ट किया हूँ टेलीग्राम पर, भाई मेरा विनिंग टीम देख सकते हो तो जाकर के देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप वहाँ पर से ज्वाइन हो सकते हो। उसके बाद यहाँ पर से देख लो टोटल जो मैच हुआ है 77 मैच हुआ है और दोस्तों यहाँ पर से जो बैटिंग फर्स्ट यानी फर्स्ट में जो बैटिंग किया है, जो सबसे पहले बैटिंग किया है इस पिच पे दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट के पिच पर, तो दोस्तों यहाँ पर से जो टोटल मैच फर्स्ट जो बैटिंग किया हुआ 36 जीता और दोस्तों यहाँ पर से सेकेंड में जो बैटिंग किया हुआ यहाँ पर से 40 मैच को विन किया है। और दोस्तों यहाँ पर से अब बात कर लेते हैं यह जो मैच है वह पाकिस्तान का परफॉर्मेंस के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो आपको एक नंबर पर नज़र आते होंगे बाबर आजम, तो दोस्तों यहाँ पर से एक नंबर पर बाबर आजम, दोस्तों बाबर आजम ने टोटल मैच जो खेले हैं 74 मैच खेले, रन की बात कर लेते हैं तो 2686 मैच है और दोस्तों बाबर आजम का काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पर से जो है इनका चल रहा है अभी, क्योंकि पिछले मैच में ये जितना भी मैच खेले पिछला 3-4 मुकाबला में लगातार 50 मारते हुए नजर आए बाबर आजम, तो बाबर आजम भी पाकिस्तान की तरफ से हो सकता है तो एक इंपोर्टेंट आज रहेगा। उसके बाद यहाँ पर से देख सकते हो इनका एवरेज 45 का रहता है, स्ट्राइक रेट दोस्तों यहाँ पर से देख सकते हो इनका 112 का रहता है। उसके बाद MD रिजवान यानी मोहम्मद रिजवान के बारे में बात कर लेते हैं यानी पाकिस्तान का विकेट कीपर, तो दोस्तों पाकिस्तान का तो ये विकेट कीपर है मोहम्मद रिजवान, मैच खेले 56 मैच खेले और दोस्तों यहाँ पर से रन की बात कर लेते हैं तो रन जो इनका 1253 रन है, एवरेज देख सकते हो 50 का है, स्ट्राइक रेट इनका जो 104 का रहता है। उसके बाद हैदर अली की चर्चा करते हैं, हैदर अली के यहाँ पर से तो दोस्तों हैदर अली देख सकते हो, हैदर अली यहाँ पर से टोटल 21 मैच और दोस्तों रन की बात कर लेते हैं 406 रन रहा है और यहाँ पर से इनका जो एवरेज रहा है एवरेज 23 का, स्ट्राइक रेट आप देख सकते हो 68 का है। उसके बाद बात कर लेते हैं फखर जमान के बारे में, तो दोस्तों फखर जमान यहाँ पर से टोटल 65 मैच खेले, रन देख सकते हो 1253 रन है एवरेज 22 का और स्ट्राइक रेट इनका 91 का है। और वही बात कर लेते हैं आसिफ अली के बारे में, तो दोस्तों आसिफ अली क्योंकि यहाँ पर से 5वें नंबर पर और नहीं तो ये 4थे नंबर पर बैटिंग करते हुए पाकिस्तान की तरफ से नजर आ सकते हैं आसिफ अली, तो आसिफ अली जो टोटल मैच खेले तो दोस्तों इनके बारे में अभी नहीं बताऊंगा, चलिए मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर से सदाब खान के बारे में,
तो दोस्तों शादाब खान यहाँ पर से जो आपको टोटल 64 मैच के लिए विकेट आप देख सकते हो, 73 स्ट्राइक रेट इनका 42 का रहा था। उसके बाद एमडी यहाँ पर से नवाज के बारे में चर्चा कर लेते हैं, तो नवाज के बारे में मैं इसके बारे में भी बाद में बात करूंगा। उससे पहले यहाँ पर से हसन अली, तो दोस्तों हसन अली मैच जो खेले टोटल हसन अली के बारे में चर्चा करते हैं, तो हसन अली यहाँ पर से टोटल मैच खेले हैं 49 और दोस्तों यहाँ पर से देख सकते हो विकेट 60 है। उसके बाद स्ट्राइक रेट हाइस्ट इनका जो है वह 18 रन देकर के 4 विकेट लिए। उसके बाद हरीश रौफ की 35 मैच के लिए विकेट 42 है और हाईएस्ट विकेट जो है वह आपको दिखाई देता हुआ 22 रन देकर के 4 विकेट लिए। उसके बाद दोस्तों यहां पर से मोहम्मद हुसैन के बारे में चर्चा करते हैं, हुसैनी के बारे में चर्चा करते हैं, तो दोस्तों यहां पर से मैच 18 खेले और विकेट 17 हाईएस्ट इनका देख सकते हो 37 रन देकर के 3 विकेट लिए। तो दोस्तों कुछ परफॉर्मेंस था जो प्लेयर्स का प्लेइंग 11 टीम का दोनों इंडिया और साथ में पाकिस्तान का मैंने आपको यहाँ पर से बता दिया हूँ। उसके बाद टीम कंपेरिजन के बारे में बात कर लेते हैं, जब ये दोनों के बीच मुकाबला होता है तो कौन खिलाड़ी यानी भारत कितना प्रतिशत मैच जीता और पाकिस्तान कितना प्रतिशत मैच जीता है। तो दोस्तों यहाँ पर से देख सकते हो आपको इंडिया जो विनिंग का चांसेस रहता है पाकिस्तान के खिलाफ वह 60% रहता है और आज का मैच भी इंडिया ही जीतेगा मुझे मालूम है और मैं अनुमान लगाता हूँ। और दोस्तों आप लोग कमेंट बिल्कुल ही करना कि आज का मैच जो सिर्फ वह इंडिया ही जीतेगा। उसके बाद यहाँ पर से पाकिस्तान जो हुआ 40% मैच जीता और दोस्तों मैच का स्टार्ट टाइम जो रहेगा वह इंडिया के हिसाब से ही रहेगा, यानी दुबई में खेला जा रहा शाम 7:30 में खेला जाएगा। और दोस्तों आपको ज्वाइन हो जाना है, फाइनल टीम लेना है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाना, टॉस होने के बाद प्रोवाइड कराता हूं। अब मैं आपको 6 ग्रैंड लीग टीम बताने जा रहा हूं जो मेरे टीम में और आपके टीम में किस किस प्लेयर्स को होना चाहिए ताकि एक तरफा यहाँ पर से जो क्लीन स्वीप कर सके। तो चलिए मैं यहाँ पर से अब आपको टीम बताने जा रहा हूँ, सिर्फ आप वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देखना, रोका वीडियो क्या मिनट के बोले हो। तो गाइज मैं अब आपको जो हुआ फाइनल प्लेइंग 11 टीम 6 ग्रैंड लीग का बताने जा रहा हूँ, ध्यानपूर्वक अब आप देखना। उसके बाद देख लो मेरा जो टीम है कुछ इस प्रकार से आपको टीम नज़र आता हुआ, सबसे पहले यहाँ पर से बात कर लेते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको जो फाइनल प्लेइंग 11 टीम बताने जा रहा हूँ यहाँ पर से आप स्क्रीन पर पूरा ध्यानपूर्वक देखना। सबसे पहले आप देख सकते हो फर्स्ट टीम जो मेरा कुछ इस प्रकार से आपको नजर आता होगा, मैंने 2 विकेट कीपर लिया, एक विकेट कीपर में आपको यहाँ पर से रिजवान नजर आता होगा। उसके बाद आपको ऋषभ पंत, वही बैटिंग सेक्शन में रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम और यहाँ पर से केएल राहुल। वही ऑलराउंडर्स सेक्शन की चर्चा कर लेते हो तो हार्दिक पांड्या, एस खान और दोस्तों बॉलिंग सेक्शन में यहाँ पर देख सकते हो इसमें मैंने बॉलिंग जो लिया हुआ 3 ही बॉलर्स को लेकर के चला हूँ। यहाँ पर से आपको दिखाई देता होगा आश्विन, चहल और दोस्तों यहाँ से आपको एन सावा साहब आपको नजर आता होगा। उसके बाद मैं बैक चले आता हूं, बैक आने के बाद सेकंड टीम आप देख सकते हो मेरा जो सेकंड टीम है कुछ इस प्रकार से आपको नजर आता होगा। सेकंड टीम में आपको यहां पर से दिनेश कार्तिक, मैंने एक दिनेश कार्तिक थोड़ा रिस्की टीम भी बनाया हूं, 6 टीम में बना रहा हूं यहां पर से ग्रैंड लीग के लिए। तो उसके बाद बैटिंग सेक्शन में आप देख सकते हो रोहित शर्मा और दोस्तों यहां पर से बाबर आजम, केएल राहुल और ऑलराउंडर्स सेक्शन में आप देख सकते हो मैंने इसमें 2 ऑलराउंडर्स जो लिया हुआ भारत की तरफ से ही लिया हूं आपको नजर आता होगा रविंद्र जडेजा और दोस्तों यहां पर से हार्दिक पांड्या। वही बॉलिंग सेक्शन आप देख सकते हो इसमें मैंने जो बॉलिंग लिया हुआ 5 बॉलर्स के साथ गया, भुवनेश्वर कुमार, चहल। उसके बाद आपको यहां पर से आपको यहां पर से जो नजर आता होगा अली नजर आता होगा, उसके बाद हरीश रफ, उसके बाद यहां पर से आप देख सकते हो मोहम्मद वसीम आपको नजर आता होगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर से तीसरा टीम की बात कर लेते हैं, तो तीसरा टीम में देख सकते हो मैंने एक विकेट कीपर लिया हूं, जो विकेट कीपर में आपको यहां पर से रिजवान नजर आता होगा और दोस्तों बैटिंग सेक्शन में विराट कोहली, बाबर आजम, केएल राहुल, फखर जमान। ऑलराउंडर्स में आप देख सकते हो आपको हार्दिक पांड्या, उसके बाद यहां पर से मोहम्मद नवाज आपको नजर आता होगा। बॉलिंग सेक्शन आप देख सकते हो बॉलिंग सेक्शन में मैंने 4 बॉलर्स को लिया हूं, जो बॉलर्स आपको भुवनेश्वर कुमार, चहल, हरीश रौफ और दोस्तों यहां पर से आपको जो मोहम्मद वसीम नज़र आता होगा। उसके बाद दोस्तों यहां पर से आप बात कर लेते हैं आपको आप जो मेरे चौथा टीम के बारे में, तो यहां पर से चौथा टीम देख सकते हो मैंने 2 विकेट कीपर ऋषभ पंत, रिजवान, रोहित शर्मा और दोस्तों यहाँ पर से बाबर आजम, केएल राहुल। ऑलराउंडर्स मैंने 3 लिया और साथ में यहाँ पर से बॉलर्स जो हुआ 3 उठाया, हार्दिक पांड्या, एस खान। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से आपको मोहम्मद नवाज नज़र आते होंगे। उसके बाद आप देख सकते हो बॉलिंग सेक्शन में भुवनेश्वर कुमार और दोस्तों यहाँ पर से आपको जो नज़र आते होंगे अली नज़र आते होंगे, अर्शदीप सिंह और दोस्तों यहाँ पर से वही पांचवें टीम की बात कर लेते हैं, तो पांचवा टीम आप देख सकते हो मेरा पांचवा टीम कुछ इस प्रकार से नज़र आता हुआ, मैंने इसमें एक विकेट कीपर सेलेक्ट किया हूँ और बैटिंग सेक्शन आप देख सकते हो 4 बैटिंग सेक्शन है, 2 ऑलराउंडर्स लिया हूँ, बॉलिंग सेक्शन यहाँ पर से 4 लिया हूँ और दोस्तों इसमें जो मेरा कैप्टन रहा है कैप्टन में सूर्य कुमार यादव और बीसी जो भुवनेश्वर कुमार को बनाया हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर से छठे टीम की बात कर लेते हैं, छठा टीम में एक विकेट कीपर, जो विकेट कीपर आपको यहाँ पर से रिजवान नज़र आता होगा, रोहित शर्मा, विराट कोहली, बाबर आजम, फखर जमान। ऑलराउंडर्स में हार्दिक पांड्या, उसके बाद दोस्तों यहां पर से एस खान। वही बॉलिंग सेक्शन से चर्चा कर लेते हैं, तो बॉलिंग सेक्शन में आप देख सकते हो भुवनेश्वर कुमार, चहल, हरीश रफ, उसके बाद आपको वसीम नजर आता होगा। तो इस प्रकार से मैंने अभी आपको जो हुआ प्लेइंग 11 टीम सेलेक्ट करके दे दिया हूँ और दोस्तों फाइनल टीम आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा
टेलीग्राम चैनल पर टॉस होने के बाद इसे ज्वाइन होने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर से जाओ ज्वाइन हो सकते हो। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको प्रोडक्शन से रिलेटेड रोजाना और प्लेइंग 11 टीम और सिक्स ग्रैंड लीग से रिलेटेड रोजाना एक वीडियो का देखने को मिलेगा। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लेते हो तो आपको यहाँ पर से किसी भी प्रकार का मैच होता है, T10 होता है, 100 होता है, या दोस्तों आपको पूरा इंटरनेशनल मैच का टीम देखने को मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ।